नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं गांव फतेहपुर पुट्ठी। हमारी मुलाकात हुई है यहां पर जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मंजू तोमर से हमारी मुलाकात हुई है। ये गांव जो है डिस्ट्रिक्ट बागपत में आता है। दोस्तों, यहां पर मंजू जी को जो प्यार मिला है गांव वालों से, उसके पीछे की वजह जानेंगे और विकास के कार्यों पर बात होगी। सर, सबसे पहले आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है और सर, आप इलेक्शन जीते, इसके लिए ढेर ढेर बधाई है। इलेक्शन पहली बार लड़े आप? पहली बार जीत गए। सर, ऐसा क्या जादू आपने गांव वालों पर चला कि आप पहली बार में जीत गए? मेरी इच्छा है गांव में काम कराने की आपकी इच्छा है। तो जिन लोगों ने आप पर विश्वास जताया है, उन्होंने आपके अंदर क्या देखा? क्या कोई समाज सेवा के काम आप कर रहे थे, विकास कर रहे पहले से चालू? मैं 5 साल से समाज में था जी, और समाज में रहा हूं, लोगों का काम करे जी, इसलिए जनता ने आपको चुन लिया जी। सर, उन्होंने अपना प्यार दे दिया है जी। बारी आपकी है, आपको एक परिवार का मुखिया बना दिया गया है। अब उस परिवार को कैसे चलाना है, मंजू जी आप पर आ गए हैं। हाँ जी। सबसे पहले आप गांव में क्या कमी देखते हैं जिसे आप पूरा करवाएंगे, जिसे आप ठीक करवाएंगे? पहले तो हम गांव में साफ सफाई करवा रहे जी, सैनिटाइज भी हम यहाँ करा रहे बार बार जी, और नाड़ी और जो रास्ते हैं गांव के जी, हमने इनकी सफाई 2-3 बार कर ली। पहले 2-3 बार कर चुके हैं। सर, ये सफाई 2-3 बार अब हो चुकी है नालियों की जी। तो मंजू जी, अक्सर क्या होता है कि शुरुआत बहुत अच्छी होती है, बाद में जाकर जो है मामला धीमा पड़ जाता है। हम अपने प्रधान जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये सफाई 5 साल चलेगी या 1-2 बार होकर खत्म? नहीं, 5 साल चलेगी, 5 साल सफाई चलती रहेगी। 5 साल अब आपको फतेहपुर पुट्ठी में सफाई मिलेगी, ऐसा मंजू जी का कहना है, वो चलती रहेगी। हाँ, गंदगी नहीं होगी? नहीं होगी। सर, यहाँ पर शमशान घाट को लेकर क्या, अक्सर गांव में पोषण खराब है, अपने शमशान घाट कैसे थे? शमशान घाट के हमारी चार दीवारी होनी थी, मैं उसे कराएंगे, उसे उसमें इंटरलॉक रह रहा थी, वो भी कराएंगे, भी कराएंगे। पानी की सुविधा है वहाँ पर? पानी की सुविधा वहाँ नल है, नल है जी जी, सब हो जाएगा। हाँ, छत वगैरह है उस पर? हाँ, छत है जी, एक छत और बनवाएंगे। देखिए, एक छत है, एक छत और बनवाएंगे, पानी की सुविधा रहेगी, इंटरलॉकिंग होगी, चार दीवारी करवाएंगे, आपको बेहतरीन शमशान घाट मिलेगा जो अब तक नहीं था, वो मंजू जी करवाएंगे, ऐसा इनका कहना है। सर, क्या कब्रिस्तान की नीर भी है गांव में? कब्रिस्तान बहुत अच्छे हैं है, कोई जरूरत नहीं है उनकी? नहीं। नालियां? नाड़ी हमारे यहाँ ठीक है, जो मैन रोड की वे टूटी हुई है उन्हें हम बनवाएंगे, उन्हें बनवाएंगे। सड़कों की क्या पोजीशन है? सड़क बहुत अच्छी है हमारे यहाँ, सड़कें अच्छी है, 5-4 गड़ी है, उन्हें हम ठीक करवाएंगे, उन्हें ठीक करवाएंगे जी। आपके गांव की सभी सड़कें वैसे तो ठीक ही बताई जा रही है, लेकिन जो ठीक नहीं है उन्हें भी ठीक करा दिया जाएगा। सर, मेंटेन रहेगी 5 साल जी? 5 साल मेंटेन रहेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधान जी करा रहे हैं, हमारा काम है उन्हें भी ठीक रखना। ये मतलब नहीं है कि प्रधान जी ने करा एक बार उसके बाद में आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, हमें भी ध्यान देना है, हमें भी साथ देना है प्रधान जी का, ताकि विकास के कार्य ऐसे ही आगे होते रहे गांव वालों के। सर, कोई जिम वगैरह बच्चे कुछ खेलने कूदने का कुछ आपके एजेंडे में है? हाँ जी, एजेंडे में है, खेल का बच्चों का बनवाएंगे, जिम वगैरह कुछ करवाएंगे। हाँ, देखिए, एक ओपन जिम होता है जिसे गांव में, हमारे मंजू जी कह रहे हैं कि गांव में बनवा जाएगा ओपन जिम यहां के हमारे भाइयों के लिए। सर, बहुत अच्छी बात है। अभी सर, पेंशन की क्या स्थिति गांव में, सभी की पेंशन है? पेंशन हमारे यहाँ से मेरे हिसाब से 25-30 पेंशन है। अच्छा जी। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पेंशन हम बढ़वाएंगे जी। जो बुजुर्ग, देखिए, जो गांव में पेंशन के हकदार है, जो पात्र है, बुजुर्ग है, विकलांग है, विधवा है, कोई भी है, वो आकर मंजू जी से मिल सकता है, उनकी पेंशन बनवाई जाएगी जो आगे मिलती रहेगी। मैं ठीक करूँ? हाँ जी। तो गांव में सभी की पेंशन होगी, लेकिन जो पात्र होगा उनकी उनकी सभी की पेंशन होगी। सर, गांव में जैसे कुछ छोटा तबका होता है या कुछ लोग बेरोजगार होते हैं जिनके घर नहीं होते, होते हैं तो टूटे फूटे होते हैं, क्या इधर कोई कदम होगा हमारे प्रधान जी का? जो सरकार इस कोटे को भेजेगी तो हम मकान जरूर बन पाए, आवासीय योजना जो आएगी 100% उन तक पहुंचेगी, बीच में तो नहीं रुकेगी? बीच में नहीं रुकेगी। देखिए, कोई भी योजना ऐसी आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना या कोई भी योजना ऐसी आती है गरीबों के लिए, वो सीधी वहां से आएगी और आप तक आ जाएगी, वो मंजू जी उसे सीधी पहुंचाएंगे, ऐसा ही आपसे वादा कर रहे हैं ग्रामवासियों से। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकी कोशिश होगी, हर सर पर एक छत होगी जो आपको मिलेगी, जिसके आप हकदार हो जी। सर, सभी गांव विकास के जिनके बारे में बातें की जा रही है वो किए जाएंगे, ठीक है? नलकूप होते हैं गाँव में सर, सरकारी नलकूप, आपके गाँव में सर क्या क्वेश्चन है? सरकारी नल हमारे यहाँ से सारे ठीक से हैं, ज्यादातर सारे ठीक, 10-15 नल खराब है, उन्हें हम ठीक करा भी दिए,
करा भी दिया। अभी सब ठीक है, सब इनिशिएटिव ठीक है, आगे ठीक रहेंगे, ठीक रहेंगे, आगे ठीक रहेंगे। ये केवल प्रधान जी के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में भी है कि हम उन्हें आगे ठीक रखें। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में भी है, तभी हमारा विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा। सर एक छोटा सा सवाल है, अक्सर गांव में मैं पूछ रहा हूं, देख रहा हूं, क्या इस गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, छोटी मोटी कुछ है? सर है जी, वो चालू कंडीशन में है? चालू कंडीशन में है। कोई बैठते हैं वहां पर, एनएम वगैरह या आशा वर्कर वगैरह बैठते हैं? बैठते हैं। कोई डॉक्टर है वहां पर? हाँ जी, वहाँ सिया के नाम इसका है, सुनीता है। ये बैठती है वहाँ? बैठती है, रेगुलर बैठती है, रेगुलर 5 साल बैठेगी? हाँ 5 साल। चलिए 5 साल बैठेगी। अक्सर गांव में डिस्पेंसरी को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है, आपके गांव में नहीं है तो आप बहुत ही अच्छी बात है, और ये आगे मेंटेन ऐसी रहेगा, इनके शासन काल में तो रहेगा ही, आगे की बात आगे वाला जानेगा। कोरोना का टीका है, हमने यहाँ से वैक्सीनेशन हो चुका है, हो गया जी सारे, यहाँ से जो हमारे अपने ही से लगवाए गए, सभी गांव में लगवा, सभी का लगवा, कोई नहीं रहा। मंजू जी एक बात पूछनी है आपसे कि दरअसल एक भ्रांति फैली हुई है हमारे मुसलमान भाइयों में टीके को लेकर, तो कई गाँव के प्रधानों ने उन्हें समझा, उन्हें फिर टीकाकरण करवा है, क्या यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा? मुसलमानों के माउंटेन के यहाँ हमने जाकर घर घर जाकर उनके टीका लगवा दिया। जी जी, कोई नहीं रहा, तो मतलब यह कि आपकी बात उन्होंने मान ली। चलिए देखिए, ये है हमारे साथ मंजू जी, अब यहाँ पर कुछ और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनका मंजू जी के बारे में क्या कहना है और वो क्या उम्मीद करते हैं अपने प्रधान से। दोस्तों हमारे साथ फतेहपुर कुट्ठी के कुछ नौजवान भाई भी है, हमारे सम्मान बुजुर्ग भी है, हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने जिन्हें प्रधान चुना है उनके पीछे की वजह और उनसे क्या उम्मीद करते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं है उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी, आपने अपने जो प्रधान चुना है उसके चुनने के पीछे वजह क्या है, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं आगे? उनके चुनने की वजह यह है जी, ये लड़का जो है काम करने वाला है जी, बिना प्रधान भी गांव में काम करता रहा पहले से जी, और अब भी इसकी बहुत इच्छा है, जो गांव में 2 तालाब है जी, उनका उद्धार करने का विचार है, और जो गांव में सफाई का काम है उसको कर भी रहा है, हो भी रहा है काफी, स्कूलों की सफाई है, पेड़ पौधों का काम है, इन बातों को सबको फिलहाल। इतनी सारी उम्मीदें आपने उनसे पाली, पूरी होगी? होंगी, उम्मीद पूरी आपको? पूरी उम्मीद। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम? ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह जी, हमें पता चला है कि आप भी इलेक्शन में थे जी, अब भाई जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं कि वो कैसे काम करेंगे? वो अच्छा काम करेंगे, लोगों ने जो भी निर्णय लिया वो सोच समझ कर लिया जी, और उसे विजय बना तो कुछ उससे उम्मीद करके बना, वो सब पूरी होगी, पूरी होगी, आपको पूरी उम्मीद है उनसे। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ और लोग उनसे बात करें। भैया आपका नाम क्या है? सचिन तोमर जी, जो प्रधान जी चुने गए हैं, आपकी क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं उनसे आप? जी इन्होंने जो ये जो उम्मीदवार बने उनसे पहले भी 5 साल गांव के बीच में रहे जी, काम करा सेवा करी जी, और होने के तुरंत बाद जी पूरा गांव साफ सफाई, और आगे ना करा काम तो नहीं जी बिल्कुल करेगा। उस दिन से ये मतलब पद मिला जी, लोगों को इन्हें शपथ भी नहीं मिल पाई थी, उससे पहले भी गांव की 2-3 बार सफाई अपने घर से करा दी थी। आगे भी काम करेंगे? बराबर लगातार काम चलता रहे, नहीं करेगा आपको पकड़ लूंगा। हाँ बिल्कुल पकड़। चलिए ठीक है। आपका नाम? अरुण तोमर। अरुण तोमर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जिन्हें इतने प्यार से चुना है, क्या उम्मीदें लेकर आप उनसे बैठे हैं, क्या अपेक्षाएं आपकी पूरी होगी? पहली बात तो ये है कि युवा है जी, कर्मठ है, काम करने में सक्षम है जी, और पहले से ही कार्य कर रहा है ग्राम समाज जी जी, सेवा कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, आगे भी करेगा, और तालाब वगैरह सब खुद भरेगा जी। क्या चाहते आप उनसे कि क्या काम होने चाहिए आपके गांव में? अब हमारे यहाँ नालियों की साफ सफाई कर रहे हैं अभी से जी, और तालाब वगैरह आप खुदवाएंगे जी, ठीक, और जो पेड़ पौधों का कार्य पूरा नल भी सही करा दिए इन्होंने जी जी। तो आपको लगता है सारे काम पूरे होंगे और आगे विकास कार्य गाँव में चलते रहेंगे? बिल्कुल होंगे, पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। चलिए ठीक है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? श्याम सिंह है जी। जी, इतने जवान लड़के को आपने चुना है? हाँ जी। उसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे यह वजह है गांव की सेवा करना। गांव की सेवा कर रहे हैं? गांव की सेवा कर रहा, 5 साल हो निकल तू, आगे भी करेंगे? और आगे भी करेंगे। तो गांव का विकास होगा, तरक्की होगी? खूब तरक्की होगी जी, जो अब तक नहीं हुई थी। हाँ ही होगी, अब होगी 5 साल। हाँ। चलिए देखिए, ताऊ जी को पूरी उम्मीद है। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? सुदेश तोमर जी। सर आप कितनी उम्मीद पाल के बैठ गए उनसे? घने पाले जी। अब होगी पूरी? हाँ जी पूरी होगी,
15 साल तक हमारा गांव में बिना प्रधान बिना विकास है, कोई गांव में ना कुछ है। जी जी, ये विकास होगा, अब विकास हो जाएगा। हाँ, ये पांचों साल विकास होगा। हाँ जी, गांव की रूपरेखा चेंज हो जाएगी। बिल्कुल जी, जी। भैया आपका नाम? राजीव कुमार। प्रधान जी से क्या चाहते हैं? मुझे अच्छे हुए चाहते हैं, तो पहले से जुड़े हैं इससे जी। जुड़े हुए हैं 5 साल से जी। जी, और आगे भी अच्छा गांव तरक्की करेगा। बहुत बढ़िया जी, जो अब तक नहीं हुई थी। बहुत अच्छा जी, बहुत समाज अच्छी तरह से। अच्छी तरह से, तो मंजू जी के साथ है आप पूरे? जी जी। भैया आपका नाम? जी जी। आप कितनी उम्मीद करते हैं अपने प्रधान जी से? ये हमारा छोटा भाई, छोटे भाई है, फिर तो आपका भी दायित्व बनता है गांव की तरफ। जी, पूरे कार्य करेंगे, सब पूरे कार्य करेंगे जी, गांव की कोई भी शिकायत जी नहीं छोड़ नहीं होंगे। कुछ काम नहीं करेंगे तो आप कान पकड़ के करवा देंगे, पकड़ के कराएंगे जी। कितनी बढ़िया बात है। देखिए ये इनके भाई है, इनका कहना है कि पहले तो बात है वो खुद काम करेंगे, इतने बढ़िया लड़के है, नहीं करेंगे तो हम कान पकड़ के करवा लेंगे, जो कि हमारे भाई है। मतलब ये है कि गांव में विकास होना चाहिए, तरीका कुछ भी हो। एक भाई और बैठे, आपका नाम? जोगिंदर। क्या काम करते हो आप? कारपेंटर जी। कहाँ के रहने वाले? गांव कोताना। गांव कोताने के रहने वाले। चलिए आप यहाँ पर काम के लिए आए हैं, प्रधान जी को जानते हैं जी? कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी, अच्छे आदमी है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, सभी लोग एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनकी आशाएं है, और बड़े प्यार से उन्हें चुना है। क्या इतने ही प्यार से वो इनका ध्यान रखेंगे? क्या विकास के कार्य आगे किए जाएंगे? ये हमें देखना होगा, लेकिन इसे देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा, और हमें इंतजार करना कम से कम 6 महीने साल भर हमें देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ, अकेले प्रधान जी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका भी साथ चाहिए, और कई जगह प्रशासन का भी साथ चाहिए। तो मेरी प्रशासन से भी अपील है, कई मामलों में प्रशासन साथ नहीं देता है, तो प्लीज़ जो भी प्रधान काम करना चाहते हैं आप उनका साथ दीजिए। तो देखिए ये तालमेल कैसा बैठता है, इसके क्या रिजल्ट आते हैं, हम इंतजार करेंगे। मैं आज से न्यूज़ से राज और कैमरे पर हमारे साथ गौरव हूँ।